हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल टेक्नो लैंग्वेज में। सो गाइज, मैं हूँ परवेज और आप देख रहे हैं टेक्नो लैंग्वेज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, एक वोटर आईडी कार्ड के तरफ से बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के आया है, जो आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि वोटर आईडी कार्ड में क्या अपडेट आया है, वही आज के इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद उसमें सर्च करना है nvsp.in, लिखकर सर्च कर देना है। उसके बाद दोस्तों कुछ देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे थ्री लाइन बुनका पे क्लिक कर देना है। थ्री लाइन बुनका पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद एक ऑप्शन है डेस्कटॉप साइट, इस पर टिक मार देना है तो ये आपका डेस्कटॉप साइट पे आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एक बड़ी अपडेट निकल के आया हुआ है, जो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, जो लिखा हुआ है वोटर पोर्टल। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही बढ़िया अपडेट कर दिया है, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद फिर से यहाँ पे थ्री लाइन बुनका पे क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है दोस्तों। तो फिर से आपका डेस्कटॉप मोड में चला जाएगा और डेस्कटॉप मोड में जाने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बोलेगा यहाँ पे आपको क्रिएट करने के लिए अकाउंट, या आपका ऑलरेडी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, फेसबुक से, ईमेल से और ट्विटर से, और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है आप किससे आप लॉगिन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ देर वेट करना है। कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए जो आप अपने ईमेल आईडी से करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अपना पासवर्ड डालना है, तो चलिए दोस्तों मैं पासवर्ड डाल देता हूँ ईमेल आईडी का। तो देखिए दोस्तों मैं डाल दिया, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पे लिखा भी गया हुआ है कंग्रेचुलेसन, यानी कि आप इस पर लॉगिन हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देख ए दोस्तों एक ऑप्शन है यहाँ पे आई एग्री का, इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे वेलकम पे क्लिक कर देना है। वेलकम पे क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों आपका वोटर पोर्टल में आपका ओके हो गया हुआ है, यानी कि लॉगिन हो गया। उससे पहले आप योर प्रोफाइल डिटेल डालना है, यहाँ पे नाम डालना है और यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आप अपना स्टेट और आप कौन सा जेंडर है मेल फीमेल वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। ये दोस्तों मैं लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। उससे पहले मैं हम लोग इंतज़ार कर लेते हैं, थोड़ा नेट स्लो होते हैं। देखिए दोस्तों ऐसा इंटरफेस आ चुका है और यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। यही बड़ा अपडेट निकल के आया है वोटर आईडी कार्ड की तरफ से, बहुत ही बड़ा अपडेट निकला है और बहुत खुशी की बात है कि बहुत बड़ा अपडेट निकल के आया है दोस्तों। इसलिए आज के इस वीडियो में यही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आते हैं, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।